समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने सीएम योगी का बिना नाम लिए कहा कि जिन्हें कुंभ में कैंप बनाकर रहना चाहिए था वह सत्ता में बैठकर सरकार चला रहे हैं। साथ ही उन्होंने प्रदेश में कानून व्यवस्था को फेल होने की बात कही है। जिनको कुंभ में अपना कैंप लगा के रहना चाहिए था उन्हें सत्ता में बैठा दिया। आप क्या उम्मीद करोगे? मुख्यमंत्री जी जो पूजा छोड़ नहीं सकते या कुछ और कार्य नहीं छोड़ सकते हैं, वो ध्यान अगर दें, वो घूमना बंद करें, ध्यान दें कानून व्यवस्था पे, तो शायद कानून व्यवस्था बेहतर हो। लेकिन कानून व्यवस्था तो बेहतर हुई नहीं, जनता को सजा मिली, लोगों की जान चली गई, इनकाउंटर हो गए, अपमानित हो रहे हैं, FIR उनकी लिखी जा रही है जिसकी जात पूछ लेते हैं, इलाज उसका हो रहा है जिसकी जात पूछ लेते हैं, काम उसका हो रहा है जिसकी जात पूछ लेते हैं। ये तो जात और धर्म की बातें करते थे, इनसे क्या उम्मीद करोगे आप? इसलिए उम्मीद करना बंद करो, वोट की तैयारी करो, इनके खिलाफ मतदान करो।